इस फिल्म के पात्र घटनाएं और कथा काल्पनिक हैं तथा किसी भी जाति जीवित या मृत व्यक्ति से संबंधित नहीं है और यदि है तो वो काल्पनिक हैं। महाकाली का यह मंदिर राजपुताना के दो राज्यों मृतागढ़ और सुरजनगढ़ के बीच में है। जाने कब से हर बरस विजयदशमी के दिन बछड़े की बलि जगदम्बा के चरणों में चढ़ाई जाती है। ये लोग भूल जाते हैं, बेजुबान ही सही, माँ तो माँ है। का अंधविश्वास है कि जिस राज्य के क्षत्रिय बलि चढ़ाएंगे उन्हीं के यहां बारिश होगी और इस रेगिस्तान में पानी की बूंद की कीमत शायद इंसानी जिंदगी से भी ज्यादा है। इसलिए दोनों राज्यों के क्षत्रिय एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लाशें बिक जाती, जीतने वाला बलिदान करता और बलि चढ़ाने वाले जोश और आस्था के साथ महाकाली को प्रसन्न कर दे। कहते हैं जगदम्बा की कृपा से उनके आकाश में बरसात के बादल छा जाते हैं, पर जो जाने चली गई उनका क्या। अंग्रेजी सरकार के रेजिडेंट पंडित पुरोहितों से मिल बैठे और फैसला किया गया कि अगले बरस से मृतागढ़ और सुरजनगढ़ से एक एक योद्धा बलि चढ़ाने के लिए सामने आएगा और उनमें मुकाबला होगा और जीतने वाला बलि चढ़ाने का श्रेय पाएगा। जिंदगी और मौत बाहों में बाहें डाले नाचती रही। देवी तो प्रसन्न होती है, मगर दोनों राज्यों में दुश्मनी की आग भड़कती रही। किसी ना किसी का योद्धा तो मारा ही जाएगा। समय गुजरता गया, अंग्रेज चले गए, परंतु बलि की प्रथा आज भी वही है। आज कानून की बागडोर पुलिस अफसर ठाकुर गंगा सिंह के हाथ में है और आपसी दुश्मनी को पाल रहे हैं दो राजघराने। मृतागढ़ के राजघराने में है महाराज भवानी सिंह। उनकी धर्म पत्नी महेश्वरी देवी, उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी दिव्या, और महाराज के छोटे भाई राजा जसवंत सिंह। उधर सुरजनगढ़ के महाराज पृथ्वी सिंह, उनकी धर्म पत्नी सुमन, उनके छोटे भाई राजा देवेंद्र प्रताप सिंह और उन्हीं के पुत्र
विजय प्रताप सिंह, जिन्हें महाराज और सुमन ने सगे माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया। कहते हैं प्यार का अंकुर तो दुश्मनी की आग में भी फूट पड़ता है। दिव्या और विजय मेले में मिले और एक दूसरे के हो गए, परंतु मिर्तागढ़ के दीवान अजय सिंह और उनका पुत्र शक्ति सिंह प्यार के अंकुर को पनपने नहीं देंगे। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। जिद्रो बेटे, कि आज हम विजयी होकर देवी माँ के चरणों में बलि चढ़ेंगे। बछड़े की बलि तो होगी शक्ति बेटे, उसके साथ अगर सुरजनगढ़ के युवराज की बलि भी चढ़ा दो तो देवी माँ भी प्रसन्न और हम अति प्रसन्न। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? जान से मार डालो उसे। अगर ये काम हो गया ना तो मृतागढ़ और सुरजनगढ़ की दुश्मनी की आग इतनी भड़क उठेगी कि बरसों तक ठंडी नहीं होगी। मृतागढ़ वाले मरने मारने में लगे रहेंगे, राज्य के खजाने की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा और हम अपनी मनमानी करते रहेंगे। क्या समझे? हमारी बात पल्ले बादलों बकुरदार, ये आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। जब जब बुझने लगे थोड़ा तेल और मीठा बोल पड़ान मोल। पिताजी, जब तक मैं जिंदा हूं ये आग कभी नहीं बुझेगी। आज विजयदशमी पर आज जगदम्बा के चरणों में बलि होगी। बलि चढ़ाने के लिए जिन दो क्षत्रियों के बीच में फैसला होगा वो है मिर्तागढ़ के ठाकुर शक्ति सिंह। विजय प्रताप सिंह। मेरा मतलब है तुम यहाँ? अरे यहाँ वहाँ छोड़, बस जल्दी से तैयार हो जा, हम मेले जा रहे हैं। मैंने माँ से आज्ञा ले ली है। ना बाबा, मुझे तो डर लगता है, किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो? अरे उसका तोड़ सोच लिया है मैंने, बस तू जल्दी से चल। अरे थे युवराज पे वार किया तो खून की नदियां बह जाएंगी। शक्ति सिंह, आपके हाथ में मिर्तागढ़ की तलवार, जो ना कभी किसी ने हत्या पर चली है और ना चलेगी। आप विजयी हुए हैं, जाइए जाकर बलि चढ़ाइए और जगदम्बे माँ का आशीर्वाद दीजिए। जाइए Thank you.
मलबे की सौगंध, अगर पृथ्वी सिंह की जगह हम होते तो शक्ति सिंह की तलवार को कभी ना रोकते, भले वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। जी चाहता है जो काम शक्ति सिंह ने अधूरा छोड़ दिया वो हम अपने हाथों से पूरा। ये क्या कर रहे हो जी? भगवान के लिए शांत हो जाइए, एक विजय ही तो है जिससे स्कूल में उजाला है, और आप वो दीपक भी बुझा देना चाहते हैं। ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद होते तो अच्छा था। ठीक कह रहे हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, इसे हमारे लाड प्यार और आपके आंचल की छाया ने कमजोर बना दिया है, डरपोक बन गया ये। कल से आपको तलवारबाजी हम सिखाएंगे, और अगले साल मंदिर में बलि चढ़ाकर इन मेहता गढ़वालों को मंदिर की धूल चढ़ाएंगे। बहुत बुरा हाल है उनका, बहुत बुरा हाल। अरे देवर जी आ रहे हैं। आपकी हमारी रियासत में जब क्या बरसात होगी? चलो अच्छा भैया आओ, इस साल बरसात हमारे मिर्ता गढ़ में। आओ पधारो पधारो देवर जी। देखिए कौन आया है। भाई लागू भाभी माँ। जीत रहो, आपने तो हमारा दिल खुश कर दिया है। अरे भाभी माँ, हम आपसे बता नहीं सकते घर वापस आकर कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए बहुरानी कहाँ है? भाभी माँ विलायत से तो मेरे साथ आई थी, बम्बई में कुछ काम की वजह से रुक गई, कुछ दिनों में जाकर ले आऊंगा। एक तो बिन बताए परदेश में अंग्रेज लड़की से शादी कर, अब बहुरानी की सूरत दिखाने के लिए भी तरस आ रहे हैं। कमाल करते हैं आप। भाई ये तो कमाल करते हैं ही, मगर जो आपने कमाल किया है वो तो बताइए या हम बताएं? क्या 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 मतलब? अरे भाभी माँ, मिर्तागढ़ का युवराज आ रहा है, मेरा भतीजा आ रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि बेटा ही होगा? अरे बेटा ही होगा भाभी माँ, क्योंकि हम कहते हैं और हम वही कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्रों में वही लिखा है जो हम कहते हैं। आप दोनों अनप शनप बोल रहे हैं। अरे भाभी, आपने पहले किसी को खुशी से पागल होते हुए नहीं देखा? नहीं। क्यों झूठ बोलती है, क्यों झूठ बोलती है आप? हम तो जब भी आपको देखते हैं पागल हो जाते हैं। इन्हीं दिनों जिस प्राणी ने आपका हृदय स्पर्श किया है वो दुख का कारण बन सकता है, उसका त्याग ही उचित होगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम क्या कहेंगे पुत्री, हम तो बांसुरी हैं, कोई फूंक मारता है तो आवाज निकलती है। तो आप इस बांसुरी की आवाज भी सुन लीजिए, हम आपके वचन और शास्त्र दोनों को झूठा साबित कर देंगे। ऐसा नहीं कहते दिव्या। अरे मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करती। पंडित जी ये इन बातों पे बहुत विश्वास करती है। आप इस विश्वास की मूर्ति का हाथ देख लीजिए, इसे बहुत श्रद्धा है। जीवन में बहुत ऊंच नीच है पुत्र, पर जीवन यात्रा एक फौजी के सहारे कट जाएगी। फौजी? एक फौजी के सहारे? हाँ फौजी। पंडित जी इसका मतलब है हमारी मधुरी प्रेम के बंधन में बन जाएगी। प्रेम के बंधन से बड़ा बंधन कौन सा है पुत्री? भगवान स्वयं प्रेम के बंधन में बंधे, फिर हम संसारी जीव क्या है? सुना तूने, अब तुझे भी प्रेम हो जाएगा। अरे मधु कहाँ खो गई? जैसी अंकल आप कब आए? अरे कैसी है तू, कितनी बड़ी होगी। अच्छी। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप? कुशल मंगल? सब आनंद मंगल। कहाँ खो गई लाडो, ये हमारे जैसी अंकल, मेरा मतलब अंकल जसवंत सिंह जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। और आप? ये मेरी सहेली अशुपाल जी की बेटी। अच्छा। मधुलिका है, पर हम सब इसे प्यार से मधु कहते हैं। तो हम भी इसे प्यार से मधु कहेंगे। आइए ना अंकल इधर। अंकल आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गए, हमारा अकेलापन तो हमें खाई जा रहा था। अरे कैसा अकेलापन, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा एक नन्ना मुन्ना छोटा सा भाई आने वाला है। मालूम है। मालूम है। तो फिर अकेलापन कैसा? जब वो आ गया ना तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी भी नहीं। अरे अब तू कहाँ चल दी, हमारी जरूरत तो अभी से नहीं है। अरे अच्छा अब ये बताइए कि आपने जन्म में कितने दुश्मन हैं? जीवन में बहुत ऊंच नीच है पुत्र, पर जीवन यात्रा एक फौजी के सहारे कट जाएगी। जिया के खोल
भर की खुशियां सिमट कर इन आंखों में आ गई हैं। इन्हें चूमे बगैर हम कैसे रह सकते हैं? हम तो ईश्वर से यही मांगते हैं कि बेटा हो तो विजय जैसा। होगा तो बेटा ही, ये वादा हम करते हैं। और साथ ये वादा भी करते हैं कि वो विजय की तरह हार कर नहीं लौटेगा। हम उसे ऐसा बनाएंगे कि वो जिंदगी की हर बाजी जीत कर लौटेगा। जिंदगी प्यार के जादू से निखर जाएगी, जुल्फ खुलकर तेरे शानों पे बिखर जाएगी, होंठ कहते हैं कि चल बात जिया के कह दे, आंख कहती है ना कह शर्म से मर जाएगी। रुक क्यों गई, गाओ ना, तुम बहुत अच्छा गाती हो, गाओ ना। आपके सामने नहीं गा पाऊंगी। क्यों? भूल जाती हूँ। मगर एक बात बताओ, ऐसी छोटी सी उम्र में तुम ऐसे गाने क्यों गाती हो? मैं बच्ची नहीं हूं। मैंने कब कहा कि तुम बच्ची हो? मगर ऐसा गाना तो वही गाता है जिसने प्यार में चोट खाई हो। मधु, तुमने किसी से प्यार किया है? किया नहीं।
हो गया है। हाँ तुम ठीक कहती हो, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। लगता है आपको भी हो गया है किसी से। कौन है वो? बड़ी प्यारी है। और गाना भी अच्छा गा लेती है। और बातों ही बातों में अपना बना लेती है। और आंखों से दिल में उतर कर जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। लगता है आप मेरे ही दिल का हाल सुना रहे हैं। कौन है जो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन गया? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा, अपने ही दिल से पूछकर देख लीजिए ना। मधु। क्यों, मैं आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं, अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो, मगर मगर क्या? मधु गरीब है, राजा की बेटी नहीं। मधु मैं ऐसा नहीं सोचता, प्लीज। तो मधु तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारी नहीं किसी और की बात कर रहा था। वो भी तुम्हारी तरह प्यारी है, गाना गाती है मगर अंग्रेजी में, अंग्रेज है वो, विलायत में उसे मिला था, मैंने उससे शादी कर ली। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मधु, मधु। तुम यहां से जाओ विजय। क्यों? डरती हूं मैं। किससे? मुझसे या अपने आप से? नफरत और दुश्मनी की उस दीवार से जो 100 बरस से हमारे खानदानों के दरमियान खड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्यार उस दीवार के नीचे दब जाए। दिव्या, यूं क्यों नहीं सोचती कि हमारा प्यार इस नफरत की दीवार को गिरा देगा हमेशा के लिए? इस कोशिश में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे। भगवान के लिए ऐसा ना कहो विजय, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा ना रह सकूंगी। मौत तो हर किसी को आती है दिव्या, नहीं आती तो बस, प्यार को मौत नहीं आती, कभी नहीं आती। मीठा बोल बड़ा अनमोल, मगर आज ऐसी कड़वी बात जबान पर लाने से पहले मेरी जबान चल गई होती तो अच्छा होता, पर हुक्म। राजकुमारी दिव्या, क्या हुआ हमारी बच्ची को? भगवान रखे उन्हें, मगर राजकुमारी जी अब बच्ची नहीं रही। हुक्म, वो सुरजनगढ़ के राजकुमार विजय प्रताप के साथ प्रेम नहीं। आपकी बात गलत निकली तो हम आपकी जबान काट देंगे। आप खुद ही दिव्या जी से पूछ लीजिएगा हुक्म। आपकी मेले में मुलाकात हुई, बात बढ़ी और उसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो दिव्या जी से मिलने यहां भी आने लगा है। हुक्म, अब अगर वो इधर आए तो उसके हाथ पांव तोड़कर फेंकवा दीजिए। फिर उसने कहा, दिव्या, आप कहां चली? बैठे वहां, जो गुल खिलाया उसमें आपका भी हाथ। आप किसी विजय प्रताप को जानती हैं? आप यह भी जानती हैं
कि वो सुरजनगढ़ का राजकुमार है और वो यहां भी आया था। जवाब दीजिए। आपकी खामोशी ने सब कुछ बता दिया। भगवान साक्षी है, हमने आपको अपनी जान से बढ़कर प्यार दिया, लेकिन कोई हमारे खानदान की आन से खेले ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे कलेजे का टुकड़ा ही क्यों ना हो। क्या हुआ? पूछिए अपनी लाडली से, जो हमारी आबरू दुश्मन के कदमों में रखकर आपके दूध की कीमत चुका रही है। संभालिए इन्हें और इन्हें कह दीजिए कि आज के बाद ये महल के बाहर कदम नहीं रखेंगी। खानदान की नाक कटवा दी, दुश्मन के बेटे के साथ प्यार करती है, दुश्मन के बेटे के साथ प्यार करती है। भाभी, भाभी क्या कर रही हैं आप? जवान बेटी पे हाथ नहीं उठाते। अब जानते हैं इसमें क्या क्या है। मैं सब सुन चुका हूँ। जी चाहता है। नहीं भाभी, नहीं नहीं भाभी, आप जाइए यहाँ से। दिव्या सियानी बेटी है, हमारी बात जरूर मानेगी। जाइए 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 यहाँ से, जाइए। अंकल, अंकल आप भी मेरा साथ नहीं देंगे? बेटी तुमने काम जो ऐसा किया है हमें भी मुश्किल में डाल दिया। आप तो परसों विलायत में रहे, अगर आप भी ऐसा बोलेंगे तो। विलायत में रहने से विचार बदल सकते हैं, खून नहीं। उन लोगों से हमारी दुश्मनी खून में है। तो फिर मेरा गला घोंट दीजिए, मार डालिए मुझे। नहीं बच्ची, नहीं नहीं, अपने आप को संभालो। देखो चाचा तुमसे कितना प्यार करते हैं। सुनो, मैं 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं, तुम्हारी चाची को लेने के लिए बंबई से आ रही है। मुझे वचन दो, जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम उससे नहीं मिलोगी। वचन दो मुझे, कम ऑन, बी अ गुड गर्ल। इतनी रात के कौन हो सकता है? अशोकपाल जी, क्या बात है? जल्दी चलिए, दीवान साहब ने फौरन बुलवाया है। चलता हूँ, मगर बात क्या है? सुरजनगढ़ के राजकुमार विजय प्रताप महल में आप पहुँचे हैं। नहीं बेटी, मुझे जाना होगा। बच्चा, मैं ये खून खराबा नहीं होने दूंगी। मगर मुझे जाना होगा बेटी। नहीं बाबू, दीवान साहब का हुक्म है। मैं कहता हूँ तुम हट जाओ, तुम हट जाओ बेटी, मैं कहता हूँ तुम हट जाओ। नहीं बाबू, चलो चलो। भाग जाओ विजय, तुम्हें छोड़कर दिव्या, तुम्हें मेरे सर की कसम, जाओ। मीठा बोल बड़ा अनमोल, पहले कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा क्या? मगर राजा साहब ने इसे मारने का हुक्म तो नहीं दिया। तो क्या हुआ? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा,
इतना खून बहेगा कि दोनों खानदान बर्बाद हो जाएंगे। मैं राजा साहब को सब बता दूंगा। अच्छा तुम बताओगे? शक्ति हम विजय की लाश लाने जा रहे हैं। मेरे बेटे को लाश ना कहो। हमारे साथ कौन जाएगा? विजय का बाप ही जाएगा। नहीं भैया, विजय की लाश लेने हम जाएंगे। आप चलिए, लेकिन याद रखिए कि हम खून खराबा नहीं होने देंगे। हथियार साथ ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मौत का बहुत अफसोस है हमें। भगवान साक्षी है, हम इसकी मौत नहीं चाहते थे। डैड, बाकी सब तो हो गया, अब इस छोरी का क्या करें? इस लड़की के आगे पीछे है कोई क्या? मैं समझता हूँ डैड, इसका आगे पीछे कोई नहीं है। और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। उसकी जमुना भाई होती है। जमुना भाई? हाँ। वो कोठे वाली? मीठा बोल, बड़ा अनमोल, खबरदार कोठे का नाम लिया तो। अरे जमुना भाई तो संगीत सिखाती है। हाँ। चलो इसके पास चलकर जरा अफसोस कर ले। ठीक है डैड। बहुत ही नेक और वफादार इंसान थे। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। मधु बेटी, हम सब लोग तुम्हारे दुख में शरीक हैं, पर क्या करें, विधि का विधान कौन टाल सकता है? मधु, जिस विजय प्रताप की बाहों में तुम अपनी सहेली दिव्या को देखना चाहती थी, उसी विजय प्रताप ने तुम्हारे पिताजी का खून कर दिया। हाँ बेटी, हम तो उसे मृतागढ़ से निकालना चाहते थे बस, लेकिन उसने तुम्हारे पिता शिवपाल पर घातक वार कर दिया और खुद भी खत्म हो गया। जो हुआ सो हुआ मधु, अब हम ये तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारे अश्वपाल जी की बेटी दूसरों के आगे हाथ फैलाए। हम तो यही चाहेंगे कि तुम 10 लोगों में बांटकर फिर खाओ। देखो बेटी, तुम बहुत अच्छा गाना भी गा लेती हो। हाँ।
नंदू जी हुकुम। देखो तुम मधु बिटिया को जमुना बाई के संगीत महाविद्यालय में ले जाना। बेटी तुम वहां जाकर खूब गाना सीखो, अपना नाम पैदा करो, तो तुम्हारे पिताजी की आत्मा को भी शांति मिलेगी। अच्छा बेटी, अच्छा हम चलते हैं, हौसला रखो। ड्राइवर गाड़ी रोको। अरे मधु। नमस्कार राजा सर। नमस्ते, ये हमारी धर्मपत्नी है डार्लिंग, दिस इज मधुलिका। नमस्कार रानी साहब। कहाँ जा रही हो? ये जानती तो आपको जरूर बताती। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? तुम्हारे बाबा तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, अब उन्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। कैसी पहेलियां बुझा रही हो, साफ साफ कहो क्या बात है। आप महल में जाइए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। चलो चलो। खबर सुनाने से पहले अब मर क्यों नहीं गए? अब एक बात सुन लीजिए, सुरजनगढ़ के बच्चे बच्चों को आगाह कर दिया जाए कि जसवंत सिंह के खिलाफ अदालत में कोई गवाही नहीं देगा, क्योंकि जसवंत सिंह को मौत की सजा हम देंगे, कानून नहीं। आप हमारी बीवी हैं, आपको नहीं टच करेंगे तो और किसे करेंगे? यहाँ ये जिस आदमी से हम शादी किया वो आदमी तुम नहीं हो। वो कितना अच्छा था, कितना जेंटल। डार्लिंग वो जंगली ना।
अपने आप को संभालिए। लुक आफ्टर योरसेल्फ डार्लिंग। इस बात का तो ख्याल कीजिए, आपके पेट में हमारा बच्चा पल रहा है। I ask you, जब तुम लोगों की लाइफ की कीमत नहीं है तो लाइफ बनाता क्यों है? Why? प्लीज 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 डार्लिंग, हमारा बच्चा पैदा होगा, हम उसको अपना खून देगा, दूध देगा, जब वो बड़ा होगा वो जंगली बनेगा, किसी को मार डालेगा या कोई उसको मार डालेगा। डार्लिंग डार्लिंग प्लीज डार्लिंग प्लीज होश में आओ। डार्लिंग डार्लिंग प्लीज की कोई बात नहीं है ठाकुर साहब, शी इज ऑल राइट नाउ, मगर टेंशन बहुत है और शॉक भी। टेंशन को कम करने में आपकी मदद जरूरी है, और अगर टेंशन कम नहीं हुआ तो पेट में बच्चे को भी खतरा हो सकता है। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर। अब तुम जाओ। I want to go back to England, please. ठीक है डार्लिंग, आप इंग्लैंड वापस जाना चाहती हैं तो जाइए, मगर हमारा आपके साथ जाना मुश्किल होगा। महल और पूरे स्टेट की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है। मैं अकेली जाऊंगी और मेरा बच्चा का आंख खोलेगा वहां जहां लव होगा, प्यार होगा, हेट्रेड और ब्लडशेड नहीं होगा। जैनी वापस इंग्लैंड चली गई। महाराज पृथ्वी सिंह जी को सजा हो गई। दोनों घराने गम में डूब गए। मगर गम और खुशी का तो चोली दामन का साथ है। महेश्वरी देवी ने विक्रम सिंह को जन्म दिया और सुमन ने विनय प्रताप को। सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, हाथ में बांसुरिया, सावरे सुरतिया, हाथ में बांसुरिया, और देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। को यहां कभी मत लाना, अगर बड़ा होकर कभी ये सवाल कर बैठे कि हमारे पापा कहां हैं तो क्या जवाब देंगे आप? यहां रहेगा तो जरूर आपके बारे में पूछेगा, क्यों ना हम विनय को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दें? बिल्कुल सही सोचा आपने, इन्हें इंग्लैंड ही भेज देना चाहिए। जब तक ये अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे तब तक हम भी रिहा होकर बाहर आ जाएंगे, और इनके हर सवाल का जवाब हम खुद देंगे। इंग्लैंड में जैनी राजा जसवंत सिंह की बेटी को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई और वसीयत कर गई कि बच्ची जब तक तालीम खत्म न कर ले हिंदुस्तान वापस न जाए। जसवंत सिंह भरी दुनिया में अकेले हो गए। मैं एक प्यासी खाली गाजर हूँ, एक जल पर गहरा सागर,
जसवंत सिंह के प्यार की पनाहों में चली गई, उसे खोया हुआ प्यार मिल गया और उन्हें जीने का सहारा। हुकुम, आपने हमें बुलवाया था? खड़े रहिए दीवान जी। बुलाओ उसे। हुकुम, मेरा कोई कसूर नहीं। आप इस आदमी को जानते हैं? जी 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 हाँ। हुकुम, अशोकपाल सिंह के अंतिम संस्कार के दिन यह आदमी आपके साथ था जी? कुछ ठीक तरह से याद नहीं आ रहा। शक्ति सिंह ये? जी हाँ हुकुम, ये वही था। और आपके कहने पर ये अश्वपाल सिंह की बेटी मधु को अपने साथ ले गया था? जी। ये उसे संगीत महाविद्यालय ले गया था संगीत सिखाने के लिए। आप तो उसने बहुत बड़ी संगीत की डिग्री भी हासिल कर ली होगी। क्यों, संगीत महाविद्यालय में या जमुना बाई के कोठे पर? मगर हुकुम, मेरी पूरी होश। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं? जब सरकार कुछ बात कर रहे हैं तो बीच में भगना नहीं चाहिए। हाँ तो हुकुम, आप ये क्या कह रहे थे? मधु को जमुना बाई के हाथों बेच दिया गया और एक शरीफ खानदान की बेटी कोठे की रौनक बन गई। तो ये आप क्या कह रहे हैं हुकुम? हरामजादे उल्लू। दीवान जी, क्या किया आपने? इस गंद के कीड़े का मर जाना ही बेहतर था हुकम। सच तो यह है कि मुझ जैसे जलील और कमीने इंसान का मर जाना भी बेहतर होगा। मेरी एक छोटी सी गलती से एक मासूम बच्ची की जिंदगी खराब हो गई। पिताजी, हुकुम रोकिए, रोकिए। जो हो गया सो हो गया। इस लाश को ठिकाने लगाइए और याद रखिए, इसके साथ सच्चाई मर नहीं गई। चलो विक्की बेटे, अब तुम चलाओ। नहीं चाचा, नहीं। चलाओ चलाओ। अरे ये तो क्षत्रियों का खिलौना है, इससे क्या डरना? मीठा बोल बड़ा अनमोल ठाकुर साहब, ये क्षत्रियो का नाम जरूर रोशन करेगा। ये बेचारा तो दिवाली के पटाखों से डरता है, बंदूक क्या चलाएगा। आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं। अरे आपको तो दुश्मन को रुलाना है। चलिए, मिर्तागढ़ का होने वाला राजा अगर गोली की आवाज से डरेगा तो मिर्तागढ़ का क्या होगा? चलिए नीचे बंदूक चलाइए, 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 चलाइए। छोड़ दीजिए इसे। क्या कर रहे हैं आप? क्यों डरा रहे हैं इसे? इसका डर निकाल रहे हैं भाभी, ये गोली की आवाज से डरता है। विक्रम ने अपनी माँ की कोख में उस गोली की आवाज सुनी थी जो पृथ्वी सिंह ने चलाई थी। महेश्वरी देवी ने अपने बच्चे को नफरत और दुश्मनी की दुनिया से दूर इंग्लैंड भेज दिया। बदले की आग में जलते हुए जसवंत सिंह पृथ्वी सिंह की सजा खत्म होने का इंतजार करते रहे और जेल में बंद पृथ्वी सिंह भी जसवंत सिंह का सामना करने को उतने ही बेकरार थे। मगर इंग्लैंड में होनी कुछ और ही गुंजा रही थी। पहचान सकती हूँ ये कौन है? पहचान तो नहीं सकती रानी माँ, पर माँ की आंखों की चमक देख के कह सकती हूँ कि हमारे कुंवर साहब हैं। हाँ, हमारा विक्रम है।
कितना बड़ा हो गया है, बिल्कुल उन पर गया है ना? पर आंखें तो आप पर गई हैं। और ये साथ में कौन है? लिखा है उसका प्यारा दोस्त है, नाम है, हाँ, विनी। तुझे तो पसीना आ रहा है। Don't tell me you're scared of the gunshot. Possibly. Come on. तेरे सामने कोई मुंह खोले तो तेरा हाथ उठ जाता है। Can't be. वो बात और है। लेकिन पता नहीं, मैं बचपन से गोली की आवाज से डरता हूँ। क्यों, बचपन में कोई हादसा हुआ था? याद करने पर भी याद नहीं आता भी नहीं। तो फिर ये तेरा वहम है और इस वहम को निकालना होगा। डर? डर किस बात का? You must face the problem. Come on, take this. Chal. Come on. Shoot. I can't do it. You love me, na? Yeah. Soch, Vinny ko maarne ke liye ek aadmi saamne khada hai. Tu kya karega? You'll kill him, na? You'll kill him, na? Before he kills me. Come on, kill him. Kill the bastard. Come on, kill him. Kill him, Vicky, kill him. देखा, तेरा डर निकल गया। You really love me. You killed a bastard. Thank you, Vinny. Don't be silly. You won't believe this, Vinny. I feel like shooting again. That's dangerous. Bloody druggies. लेकिन लड़की हिंदुस्तानी है। Right, man. अच्छे घराने की लगती है और खूबसूरत भी है। Hello. Okay, okay. Hello. Take it easy. Hey, what's going on here? They're druggies, officer. Come on, get up. They were trying to create trouble. Come on, get up, you druggies. Get up. You two come with me. Well, I... She's with us. Oh, okay, okay. Come on. Hello. Come on, move. She's with us. Abhi sab ghar pe chhod de. Where do you stay? I study at Oxford. Okay. Oxford student aur ye harkat hai? विकी, मुझे प्रोफेसर हॉफमैन से मिलना है। हाँ, मैं चलता हूँ। ओके, आइए। दैट्स माय होस्ट सर। वेल, हियर वी आर देन। नाउ आई विल से गुड नाइट। हे, व्हाट्स दैट फॉर? दैट मींस थैंक यू वेरी मच। फॉर व्हाट? तुमने पुलिस ऑफिसर से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो? अब इतना और कह देना कि आज के बाद हमेशा अपने साथ समझोगे। But I hardly know you. Well, my name is Tanvi. घर वाले प्यार से मुझे तन्नु कहते हैं। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम विक्रम है। यहाँ के लोग मुझे विकी कहते हैं। विकी, it's a very good name, and you're a very nice person, विकी। तुम भी बुरी नहीं हो। लेकिन ये नशा, ये कंपनी, आखिर तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? I know, विकी, जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते चलते किसी के भी कदम बहक सकते हैं।
anyone can lose his way. Okay, okay. But it's bad, isn't it? It is. अच्छा अब मैं चलता हूँ, वरना तुम्हारे कॉलेज की सुपरिटेंडेंट नाराज हो जाएगी. गुड नाइट विकी, वी मस्ट मीट अगेन. ओके, बट डोंट फॉरगेट, विकी की दोस्ती और नशे का जहर दोनों साथ नहीं रह सकते. ओके बाय. Hello. Is that 8033? Yes. You have booked a call to London? Yes, yes. Please speak here. Hello, Nilima here. बेटी मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ. Oh. बेटी कैसी हो? घर कब आ रही हो बेटी? हिंदुस्तान कब आ रही हो? पापा, I told you I hate India. बेटी ऐसा मत कहो. पापा मुझे क्यों बार-बार फोन करते हैं? I have nothing to talk to you about. मैं आपसे बात नहीं करना चाहती. बेटी, नीलिमा. Nilima! नीलू, तुम इंडियन से इतनी नफरत क्यों करती हो? मैं भी तो इंडियन हूँ. तुम इंडियन लड़की हो. आई हेट इंडियन मैन. तो फिर तुम्हारे डैडी भी तो इंडियन है. दैट मीन्स यू हेट योर फादर. यस, इसलिए तो मेरी माँ मुझे अपनी कोख में उठाकर उन्हें छोड़ यहाँ चली आई. दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर एनिमल्स. इतना सब कुछ होने के बाद भी वो वहीं के वहीं हैं. कहते हैं तुम्हारा हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है और तुम्हारी शादी एक इंडियन लड़के से होगी. और अगर डेस्टिनी को यही मंजूर हुआ तो? मैं डेस्टिनी से लड़ मरूंगी. दिखा दूंगी कि इंसान अपनी डेस्टिनी खुद बदल सकता है. बस बस बस, इतना जोश मत था. चली है सितारों से जीतने. जब तुझे तेरा ग्रीक कार्ड मिलेगा ना, तब तू सितारों से तो क्या अपने दिल से भी हार जाएगी. मेरी प्यारी बेटी. हेलो, ये तो किसी और का लेटर है. नीलिमा, ओह माय गॉड, ये तो किसी और का लेटर है. विनय प्रताप सिंह. पढ़ लें, शायद इस लेटर के थ्रू उससे मुलाकात ही हो जाए. पढ़ लो. बैड मैनर्स, पर शायद इस लेटर के थ्रू मैं किसी और एक इंसान को जान लूं. पढ़ ही लेते हैं. मेरे प्यारे प्यारे बेटे, ये चिट्ठी. एंड दिस वन, दिस लेटर मेरी है नीलिमा. ओह इट्स माइन, बट दिस इज ओपन. आपने कहीं पढ़ी तो नहीं? नहीं तो व्हाई शुड आई. ये भी खुली है कहीं आपने? ओह नो नो, आई हैवंट. थैंक यू. ओह थैंक यू. व्हाट अ कोइंसिडेंस. अच्छी बेतफाक है, हम दोनों इंडियंस नहीं बल्कि एक ही शहर के रहने वाले हैं. दैट्स राइट. थैंक यू एनीवे. हेलो, आप अपने डैडी को फोन क्यों नहीं कर लेती? तो आपने मेरी चिट्ठी पढ़ी नहीं. That's bad manners, you know. Okay, I'm sorry. मगर आपको अपने पिताजी से बात करनी चाहिए. हम्म. आप जानती हैं बाप का दिल किस कदर प्यार से भरा होता है? Oh yes, बिल्कुल. इसलिए तो आज तक आपके डैड ने आपको कभी याद नहीं किया. No phones, no letters. हेलो. और आपने मेरी चिट्ठी पढ़ी नहीं. Bad manners. Okay, I'm sorry. Vikwits, all right? No, no. ऐसे नहीं मैम साहब. झूठ भी हम दोनों ने बोला है, गलती भी हम दोनों की है, तो सजा भी हम दोनों को मिलनी चाहिए. सजा? What सजा? आपकी सजा ये है कि आप अपने पिताजी से फोन पर बात करेंगी. और मेरी सजा ये है कि जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगी, मैं आपके पीछे रहूंगा. What nonsense. इन्हीं stupid बातों के लिए तो मुझे इंडिया और इंडिया के लोगों से सख्त नफरत है. हेलो, पहले बात को तोलो फिर मुंह से बोलो. सोचो तुम्हारी शादी किसी इंडियन से हो जाए तो? लिसन, माइंड योर ओन बिजनेस. ओके मिस्टर. हेलो, विनय प्रताप सिंह. इन शॉर्ट, विनय. अगर मैं अपने डैड से बात करूं ना करूं, आपको इससे मतलब? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपको खुश देखूं, आपके पिताजी को खुश देखूं. चलो उन्हें ना सही, मुझे फोन कर दो, मैं उन्हें मैसेज दे दूंगा. My number is 08. Goodbye. Hello.
हेलो डार्लिंग, सब ठीक हो जाएगा। ओके ओके ओह माय गॉड बेटी तुम ठीक हो ना? डैडी थैंक यू, भगवान का लाख लाख शुक्र है बच्ची बच गई। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। बेटी बाप की गोद में जाकर कितनी खुश हो गई ना? उससे ज्यादा तुम खुश लग रही हो। Why not? I've done my duty. जानती हो जिसे तुमने बचाया वो एक इंडियन लड़की थी और तुम्हें इंडिया और इंडियन से सख्त नफरत है। मगर इंसान से मोहब्बत है भले ही वो किसी भी कौम का हो। अगर इंसान के दिल में इतनी भी मोहब्बत ना हो तो इंसान इंसान नहीं जानवर होता है। हेलो बस यही बातें तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। जितनी खूबसूरत तुम हो उतनी ही खूबसूरत तुम्हारी आत्मा भी। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। चलो खुश तो एक्सेप्ट किया, तुमसे बातें करके अच्छा लगा। कॉल मी समटाइम्स, माय नंबर इज 08 3632। हेलो लो अपने दिल पर। ओह शट अप। मेरे प्यार का तुम न खून करना, मुझे रोज तुम टेलीफोन करना। हेलो हेलो मेरा टेलीफोन नंबर सुनो, लिख लो अपने दिल पर। माय नंबर इज 08 3632 3530। गॉट इट? फॉरगेट इट। ये रेशमी जुल्फों के साए कहीं नींद न मुझको आ जाए। हेलो हेलो हसी बड़ी लग घड़ी 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 तक दी हो, अगर आज जल्दी है जाने की कसम खा के जाओ कलाने की। हेलो हेलो मेरा लो अपने दिल पर।
अब न छूटेगी ये यारी हमारी न टूटेगी। हेलो हेलो मेरा टेलीफोन नंबर लो लिख लो अपने दिल पर। खुशी कर लो तुम्हें जीते जी मैं न छोड़ूंगा कसम ये कसम मैं न तोड़ूंगा। हेलो हेलो मेरा टेलीफोन नंबर सुनो लिख लो अपने दिल पर। ला 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 ला। विकी विकी ओ विकी विक्रम सिंह फॉर यू ओके। नो विकी आज मैं तुम्हें बहुत अच्छी खबर सुनाने आई हूँ। यस मैंने सब नशे की गोली और ड्रग्स बाहर फेंक दी हैं। अच्छा शाम तक और आ जाएंगी? नो नेवर विकी अब कभी नहीं जिंदगी की शाम होने तक भी नहीं। हर नशे का गुलाम यही कहता है। विकी विल यू प्लीज लिसन टू मी विकी विकी प्लीज विकी प्लीज विकी विकी लिसन टू मी विकी सुनो ना तुमने मुझे गुलाम कहा ना मैं गुलाम तो हूँ मगर उस नशे की नहीं इस नशे की। अरे वाह विकी ना हुआ नशे की गोली हो गई। हाँ हु नोस विकी प्यार जरूर एक नशा है एक बार तुम भी करके देखो ना बड़ा मजा आएगा। नो वे बेबी नो वे। ओके हनी आई विल फाइंड अ वे। हेलो आई एम सॉरी आई डोंट नो यू हैड कंपनी। डोंट बी सिली तनु You know you're always welcome. Mm-hmm. Come. Vinny, ये मेरी friend है तन्वी. Hi. Tanu, this is Vinny. मेरा मतलब विनय प्रताप सिंह. हम पहले भी मिल चुके हैं. अच्छा? कहाँ? नहीं पूछो तो अच्छा है. वैसे, एक मिनट हाँ. Ouch. You're in love, aren't you? Yes. Wonderful. Revolution. हमारी नील और एक इंडियन लड़का कल तक तो तुम हर इंडियन से नफरत करती थी। प्यार ने नफरत को किल कर दिया है तनु। You're finished! कहाँ गई वो नहीं जो कहती थी सितारों से लड़ूंगी डेस्टिनी बदल दूंगी। लता शादी की बात कर। चलना। It's just wonderful for both of you. काशी जादू थोड़ा सा उस कंबक पर चल जाए तो मजा आ जाए। किस पे कौन है ये? इनका दोस्त सैनी से पूछो। कौन? विकी? विकी? अरे पागल विकी तो मेरा कजन है। He's my cousin. सच? He's your cousin? हाँ। पापा के बड़े भाई थे ना राजा साहब मिर्तागढ़ के उन्हीं के तो युवराज हैं। Hello. It's a small world. तुम मिर्तागढ़ के हो? मैं सुरजनगढ़ का हूँ। Unbelievable. सुरजनगढ़ में तो मेरे पापा भी पुलिस ऑफिसर हैं। Really? तो फिर मुझे तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। Please, I'm crazy about him. Hello. हाथ धोकर पीछे पड़ जाओ कल से ही हम दोनों लंदन सिटी जा रहे हैं वहां आ जाना। वाओ wow!
मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकते विकी। ओके, बोलो क्या बात है? तुम क्या चाहते हो, मैं उस जहर की दुनिया में फिर से चली जाऊं? You want me to go back to that life? Well, it's your life. तुम अपनी जिंदगी की मालिक हो, तुम जो चाहो कर सकती हो। यही तो रोना है, मैं अपनी जिंदगी की मालिक नहीं रही। तो फिर कौन है? मेरी जिंदगी का मालिक मुझसे सवाल कर रहा है। You mean? देखो तन्वी, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा फैसला सुन चुकी हूँ, गलती मेरी थी। यकीन मानो तन्वी, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम उस नशे की दुनिया में वापस चली जाओ। I don't want your sympathy, विकी। मुझे रहम की भीख नहीं चाहिए। अरे तन्वी, तुम इतनी जल्दी हार मान गई? मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। सच? I love you. हुकुम, ऑक्सफोर्ड से बिटिया रानी का फोन है। बिटिया रानी का? जी हेलो, कौन? नीलिमा बेटी। हेलो पापा, मैं आपकी बेटी नीलिमा बोल रही हूँ। वाह, व्हाट अ लवली सरप्राइज। सब खैरियत तो है ना बेटी? बस ठीक हूँ पापा, आई एम फाइन। पापा मैं इंडिया आ रही हूँ। हाँ पापा, मैं इंडिया आ रही हूँ। तुम हिंदुस्तान आ रही हो बेटी? तुम हिंदुस्तान आ रही हो? आज जगदम्बे में माँ से हम कुछ और भी मांगते तो मिल जाता, पर हमारी बेटी हिंदुस्तान हरी है, इससे ज्यादा हम और क्या मांग सकते हैं? कब आ रही हो बेटी, कब आ रही हो? पापा दिवाली के पहले ही आ जाऊंगी। That's very good बेटी, अच्छा अपना ख्याल रखना और जल्दी आओ बेटी। बाय पापा। बाय। आई लव यू। आई लव यू टू। हमारी रिहाई पर घराने भर की खुशियां आंखों में छलकते देख रहा हूं, लेकिन इस खुशी के साथ साथ ये हल्का सा डर कैसा? ठीक कहा आपने, दिल कांप कांप जाता है इसी सोच में कि ना जाने आपका अगला कदम किस तरह फूट जाएगा। भरोसा रखो सुमन, हमारा हर कदम हमारे प्यार और सुरजनगढ़ की मर्यादा के लिए ही उठेगा। हुकुम, आइए। हुकुम, ये फूलमालाएं आपके लिए किसी ठाकुर ने भेजी। लाइए।
अब जाइए। तुम्हारी रिहाई की खुशी जितनी मुझे है और किसी को नहीं होगी। अब तो जेल की दीवार भी हमारे दरमियान नहीं है। दशमी को मेले में मुलाकात होगी, आना जरूर। जसवंत सिंह। किसकी चिट्ठी है जी? है कोई हमारा चाहने वाला, हमसे मिलने के लिए बेचैन है। मिलेगा तो खुशी से मर जाएगा। दशमी कब है? दशमी जी? हाँ, दशमी कब है? अरे हाँ, आपको खुशखबरी देना तो मैं भूल ही गई। दशमी के दिन तो हमारा बेटा विनय इंग्लैंड से घर वापस आ रहा है। सच? हाँ। फिर तो विजयदशमी हम और भी धूमधाम से मनाएंगे। विजेंद्र सिंह जी, जी। पंडित जी से कह दो पूजा की तैयारियां शुरू कर दी, और इस बार माँ के चरणों में बलि हर हाल में हम देंगे। महाराज आप? हाँ गजेंद्र सिंह जी, और ये खबर मृता घर वालों तक भी पहुंचा दी जाए। बस जी, दशमी के रोज पृथ्वी सिंह का मीठा बोल। पर नमस्कार रानी साहब। खमागड़ी रानी साहब। ये सब क्या हो रहा है देवर जी? विजय दशमी की तैयारी हो रही है भाभी। पायलागू, आप अचानक यहां, कोई खासी बात होगी? हाँ, कोई खासी बात है। हुकुम। हुकुम। क्या बात है भाभी? कुछ दिनों बाद विक्की और नीलमा इंग्लैंड से घर वापस आ रहे हैं। गुड, वेरी गुड। आपने तो हमें इतनी अच्छी खुशखबरी दी है, हम भी आपको एक अच्छी खबर देते हैं। पृथ्वी सिंह जेल से छूटकर आ गया है। जगदम्बे ने चाहा तो अब की बार हम उसे जिंदगी की कैद से भी आजाद कर देंगे। नहीं 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 देवर जी, इस खून खराबे का कभी तो अंत होगा या नहीं? भाभी, आप उस हत्यारे को बचाना चाहती हैं जिसने आपकी मांग का सिंदूर छीन लिया? नहीं, हम तो जो कुछ बच गया है उसे संभाल कर रखना चाहते हैं। आप हैं उनकी निशानी विकी, बिन मां की बच्ची नीलमा। हम वो दिन देखना नहीं चाहते कि उसके सिर पर भी बाप का साया ना रहे। तो आपका ख्याल है कि पृथ्वी सिंह हमें भी मार डालेगा? दुश्मनी की तलवार की धार एक तरफ नहीं होती है देवर जी, दोनों तरफ होती है। अपनी विधवा भाभी को तो देख रहे हैं ना, सुरजनगढ़ में भी तो कोई विधवा होगी, वहां भी तो कोई मां अपने बेटे को रो रही होगी। हम तो आपसे यही कहने आए थे कि राजमहल का कोई भी आदमी विकी को यह नहीं बताएगा कि उसके पिता का अंत कैसे हुआ और किसके हाथ हुआ। नहीं बताएगा भाभी, कोई नहीं बताएगा। हम खुद ये नहीं चाहते कि विकी को इस बात का पता चल जाए, वरना बदले की तलवार उसके हाथ में आ जाएगी। पृथ्वी सिंह का खून सिर्फ हमारी तलवार का हक है और किसी का नहीं। भगवान के लिए ये तलवार ऐसी म्यान में रख दो जहां से ये कभी बाहर ना निकल सके। भाभी, आप छत्रानी होके ऐसी बातें कर रही हैं। ये आपको किसने कहा है कि छत्रानियों के सीने में मां का दिल नहीं होता? जब तलवार चलती है तो वो किसी मर्द के गर्दन पर नहीं, किसी मां की कोख पर चलती है। हम आपसे विनती करते हैं, बंद कर दीजिए सब, या तो आप हमारी आंखें बंद कर दीजिए ताकि हम अपने वंश का अंत होते हुए ना देख सके। Thank you.
हेलो हेलो हाय पापा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा है। लेट मी लुक एट यू। वाओ कितनी खूबसूरत लग रही हो। यू आर लुकिंग हैंडसम योरसेल्फ डैड। अच्छा विकी कहाँ है? विकी आ ही रहा होगा पीछे। कोई एयरहोस्टेस मिल गई क्या? यू नो हिम। खुशी इतनी ज्यादा होती है कि दिल में नहीं समा पाती तो आंखों से झलक जाती है। आओ हुकुम। कुंवर विनय प्रताप सिंह जी आ गए। जीते रहिए। ऐसा सोचा था उसे कहीं ज्यादा प्यारे हैं आप। पापा कोई मानेगा कि मैंने आपको पहली बार देखा है? आप इंग्लैंड भी तो नहीं आए। हम जानते थे विनय आप जब भी लौटेंगे आपकी जबान पर बहुत सारे सवाल होंगे। आज आप हमारे साथ मंदिर चलिए पूजा के लिए। आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कैसी पूजा पापा? आज दशमी है, देवी मां पर बलि चढ़ाएंगे, जगदम्बे को खुश करेंगे और सुरजनगढ़ की धरती पर बरसात होगी। जरूर होगी। हेलो, क्या बरसात के बादल बरसने से पहले पूछते हैं क्या आपने बलि दी या नहीं? विकी, आज हम मां जगदम्बे के मंदिर जाएंगे और वहां बलि चढ़ाएंगे। बलि? कैसी बलि? बछड़े की बलि हुकुम, और इसी बलि से मिर्तागढ़ की धरती पर बरसात होगी। पापा इसे तो अच्छा आप बादलों में अपनी तलवार मारकर यूं ही बारिश गिरा दे। अरे अंकल तो वो भी कर लेंगे पर कमबख्त बादल तो होने चाहिए। मंदिर में सभी क्षत्रिय आएंगे, आप भी हमारे साथ चलेंगे। जरूर। नहीं आप नहीं जाएंगे। क्यों माँ? बरसों से तरस रही माँ की आंखों ने आपको जी भर कर देखा भी नहीं, अब चलिए हमारे साथ। मेबी नेक्स्ट ईयर अंकल। पापा आप कह रहे थे सभी क्षत्रिय आएंगे, तिनी भी आएगा। कौन आएगा? नहीं हम आएंगे, हम भी चलेंगे। आप डरेंगी तो नहीं? डर लगेगा तो आपके कंधों पर सर छुपा लेंगे। बेचारे की बलि चढ़ाई जाएगी। हाँ बेटी। ये हम नहीं देख पाएंगे पापा। तो फिर आप घर जाइए। हमने अपना इरादा बदल दिया है, हम यहीं रुकेंगे।
कैसी हो? फाइन। वो तुम्हारे पापा है ना? और वो तुम्हारे पापा है? वो बछड़ा देख रहे हो विनी? इसी बेचारे की बलि चढ़ाई जाएगी। न जाने कौन सी सेंचुरी में रहते हैं ये लोग। तुम कोई इसे बचाने की तरकीब भी नहीं सोचते। वेरी इजी। तुम उसकी रस्सी खोल दो, वो भाग जाएगा। वो रस्सी मेरे गले में डाल देना, वहां मैं खड़ा हो जाऊंगा। तुम अपना ये बचपना कब छोड़ोगे? जब हमारे बच्चे हो जाएंगे, उनका बचपना शुरू होगा और हमारा खत्म हो जाएगा। मैं उस बछड़े की बात कर रही हूँ और तुम हमारे बच्चों की बात कर रहे हो। यू आर इम्पॉसिबल। आई एम नॉट इम्पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज इम्पॉसिबल। देखो, जब कोई परंपरा धर्म का हिस्सा बन जाती है तो उसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है। मुझे तो दिव्य और विजय सामने नजर आ रहे हैं। मीठा बोल, बड़ा अनमोल। हुकुम, क्या बात है? पृथ्वी सिंह और जसवंत सिंह माँ जगदम्बा के मंदिर पहुंच चुके हैं। तुमने अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ। डर है कि बलि के हक के लिए खून खराबा भी हो सकता है। लगता है मेरी पूरी जिंदगी इन लोगों की जिंदगी बचाने में निकल जाएगी। एक दूसरे को मार डालेंगे। चरणों में चढ़ा दी गई है। ये आपने क्या किया गंगा सिंह जी?
सरकार को हमारे धार्मिक कार्यों में दखल देने का कोई हक नहीं। हक है या नहीं, यह फैसला सरकार करेगी। इस डीआईजी ने जसवंत सिंह को बचा लिया। आपके जख्म कैसे हैं पापा? मामूली खरोचे हैं बेटे, एक दो दिन में ठीक हो जाएंगी। इन्हें आप मामूली खरोचे कहते हैं? आप जानते हैं आपका खून कितना बहा है? हम क्षत्रियों का खून और किस काम आएगा। मगर पापा, एक बलि चढ़ाने के लिए ऐसी लड़ाई? बलि तो एक बहाना था विकी, हमें उससे बहुत पुराना हिसाब चुकाना है। कैसा हिसाब अंकल? बहुत लंबी कहानी है बेटे। बेटा, ऑक्सफोर्ड से तुम्हारे लिए फोन आया था किसी लड़की का, उसने कहा है दोबारा फोन करेगी। चलिए माँ, मैं थोड़ी देर अंकल के साथ बात कर लूँ, फिर आता हूँ। बाद में चलिए आना, उसका फोन आता ही होगा। चलिए। ओके माँ, सॉरी, बाद में मिलता हूँ अंकल। ऑक्सफोर्ड में मुलाकात हुई थी नीलिमा से, वो भी वहीं पढ़ती थी। आप जानते हैं वो लड़की हमारे दुश्मन की बेटी है। दुश्मन? पापा, मैं तो इतना ही जानती हूँ कि उसका नाम विनय है और वो हमारा प्यारा सा दोस्त है। बड़ा प्यारा था हमें विजय प्रताप सिंह, शायद आपसे भी ज्यादा। लेकिन कमबख्त ने एक ही गलती की, उसने दुश्मन के बेटे से प्यार बढ़ा लिया। उसके लिए हमने उसे कभी माफ नहीं किया, उसके मरने के बाद भी। दोनों बच्चों की लाशें देखकर हम अपना सब्र खो बैठे और भवानी सिंह को गोली मार दी हमने और हमें सजा हो गई। विनय, पूजा से पहले आपने हमसे सवाल किया था कि बाप का दिल बेटे से मिलने को क्यों नहीं चाहा। उस सवाल का ये जवाब है। पापा, आपकी रगों में पृथ्वी सिंह का खून दौड़ रहा है। आज के बाद आप हमारे दुश्मन की बेटी से नहीं मिलेंगे। और हम चाहेंगे कि आज के बाद आप उससे कभी नहीं मिलेंगे। दोस्ती बुलाई जा सकती है बेटी, दुश्मनी नहीं। आपने सुना हमने क्या कहा? नीलिमा! जी, जी पापा। पापा, ये सब तो मुझे आज मालूम हुआ है, थोड़ा सा वक्त दीजिए और फिर मुझे अपने दोस्त विक्की के बारे में भी तो सोचना है। नमस्कार रानी सर। आइए गंगा सिंह जी, बैठिए। हेलो सर। हेलो सर, हाउ आर यू? हाय विक्की। हाय तनु, कम सेट। ये है मेरी बेटी तन्वी, प्यार से हम इसे तनु कहते हैं। नमस्ते। लगता है ये एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ रानी सर, दोनों ऑक्सफोर्ड पढ़ते थे। ओ, विकी बेटे, जाओ तनु को पैलेस दिखाओ। जी माँ, कम। सो व्हाट्स न्यूज़ अबाउट ऑक्सफोर्ड? ऑक्सफोर्ड भी वही है और लंदन भी वही, मगर सब सुना। क्यों? विकी जो नहीं है वहाँ। गुड ओल्ड तनु। सोचा था तुम्हारे बगैर कुछ दिन रह लूंगी, नहीं रह सकी, चली आई। तनु ने मुझे बताया है कि विकी ने उसकी बहुत मदद की लंदन में। तनु की बहुत प्रॉब्लम्स थी जिसे विकी ने सॉल्व कर दी। हमारा विकी अच्छा भी है और समझदार भी। फिर विदेश में बच्चे एक दूसरे के काम ना आए तो कैसे चलेगा? आपने ठीक फरमाया। चलो अच्छा हुआ मेरे पापा और तुम्हारी मम्मी एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नॉट सो फास्ट बेबी। क्या है? वशीकरण मंत्र है, प्यार का तंत्र है, गंडा है, तावीज है, बड़े काम की चीज है, दिल जिसे चाहे वो दूर दूर जाए, ये कंगन ऐसी चीज है खिंचा चलाए। कहिए दे दूं मैम साहब? मुझे दे दो। लगता है दोनों मेम साहब को एक ही रोग है। रोग जैसा रोग, लगता है ये तो मेरी जान लेकर ही रहेगा।
जान देना आसान है मेम साहब, मगर दिल देकर जीना कठिन है। हम बंजारों का एक गीत है मेम साहब, उसकी बोल है, दिल न किसी का जाए, जान जाए तो जाए। बहुत अच्छा है, गाकर सुनाओ ना। एक वो दिन था जब तुम मेरे पास आने से डरती थी, और ये दिन है जब तुम डर के मेरे पास आई हो। बोलो। चौक सपाट विनी, आज मेरे पापा ने बताया कि तुम्हारे और हमारे खानदानों के बीच में खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता? एक दूसरे का खून करने का। कम ऑफ इट विनी, इतनी बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है और तुम्हें हंसी सूझ रही है। अगर मुसीबत रोने से टलती है तो रो लेते हैं। बोलो, पहले मैं स्टार्ट करूं या तुम करोगी?
स्टॉप इट विनी, मैं सोचती हूँ कि हम दोनों इंग्लैंड से वापसी ना आते तो अच्छा था। हेलो, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो जिंदगी से हार कर कहते हैं मैं पैदा ही नहीं होता तो अच्छा था। My God, Vinny, you're impossible. You're never serious, you know. I'm going. Hello, hold it. I'm sorry. I'm serious now. मुश्किल तो है नीलिमा, मगर इसका सामना हमें करना होगा। ये तूफान कोई छोटा मोटा तूफान नहीं है। ना जाने कितनी किश्तियां डूबेंगी, कितने किनारे टूटेंगे, पार वही होगा जो एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा। मुझे बुलाया पापा? हेलो, आज फिर हमारे दुश्मन की बेटी से मिलने गए थे? जी। क्यों? क्योंकि आपका बेटा होने के अलावा मैं एक इंसान भी हूं, मेरे भी कुछ जज्बात हैं। क्षत्रिय धर्म में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं होती। क्षत्रिय जीता है तो सिर्फ आन के लिए, और मरता है उनके लिए जिन्हें वो प्यार करता है। मत भूलो विनय, दुश्मन हर हाल में दुश्मन होता है। दुनिया की हर चीज को मौत आती है, जीव जंतु पशु पंछी सबको, अगर दुश्मनी को मौत क्यों नहीं आती पापा? आप समझते हैं आपकी इन बातों से हमारे अंदर की आग बुझ जाएगी? नहीं, बल्कि आग और भड़केगी। और आप इस आग में अपने बेटे के जज्बात को जला देना चाहते हैं? नहीं, और आप हमारे जज्बात से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात सुन लो, आज के बाद आप उस लड़की से हरगिज हरगिज नहीं मिलेगी। यह हमारा आखिरी फैसला है। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु दरारोगी। आज इनकी पुण्यतिथि है, इनकी याद में फूल चढ़ा बेटे। वो जहाँ भी होंगे आपको आशीर्वाद देंगे। आंसू पहुंचता रे भाभी, आप तो जानती हैं भैया को आंसू बिल्कुल पसंद नहीं थे। जानती हूँ देवर जी, लेकिन मेरी फूल जैसी बेटी, हाउ कम अंकल, पापा और दिव्या दीदी एक ही दिन एक ही साथ चले गए? इट इज जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स विकी, ऊपर वाले के खेल निराले होते हैं। लेकिन अंकल, आपने इन दोनों की समाधियां यहां क्यों बनवाई? मिर्तापुर के छत्रियों के साथ क्यों नहीं बनवाई? पापा, विकी, मैं भी आ रही हूं। नो, विजय! मां, मां, बड़ी मां। अंकल, क्या हो गया मां को? लगता है बेहोश हो गई। चलो इन्हें महल में ले चलें। कुंवर जी, आइए आइए आइए, पधारिए। आइए राजा साहब। विराजिए। भगवान कसम, हजार बरस जिए गया। हम हर गुट के साथ बाप बेटा आप ही का गुणगान कर रहे थे। कहिए राजा साहब, सोडे के साथ लीजिएगा या पानी के साथ? मैं शराब नहीं पीता। कमाल है, इतने बरस विलायत में रहने के बाद भी आप। मीठा बोल बड़ा अनमोल, सारे गुण बिल्कुल स्वर्गवासी महाराज जैसे हैं, वो तो छूते भी नहीं थे। पापा को तो देखा ही नहीं था, ये दुख जिंदगी भर साथ रहेगा। उन्हें हुआ क्या था?
बस सांसें पूरी हो गई राजा साहब। बीमार थे? जी नहीं, बिल्कुल अच्छे थे। उस रोज हम खेतों पर गए हुए थे, लौट कर आए तो पता चला कि बस। आप लोगों ने पूछा तो होगा। जितने मुंह उतनी बातें बेटा, कोई कहता है हादसा हो गया और किसी ने कहा कि गोलियों की आवाज सुनी थी। गोलियों की आवाज? जी हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, मगर इतना जरूर है कि डेथ नेचुरल नहीं थी। आप इतने पुराने दीवाने हैं, आपने इंक्वायरी तो की होगी। जाने वाले चले गए कुंवर साहब, इंक्वायरी क्या करते। कमाल है, कोई कुछ नहीं बताता। दिव्या दीदी भी उसी दिन साथ साथ। मीठा बोल बड़ा अनमोल, विधि का विधान है बेटे। जरा सोचो कितना प्यार रहा होगा बाप बेटी में। जो काम आप लोग नहीं कर सके वो काम आप मुझे करना होगा। महाभारत तो अब छिड़ेगा। Can I speak to Vinay Pratap, please? इतने दिनों बाद याद आई दोस्त की। Hi, Vinay. दोस्त यार तो मुसीबत के वक्त ही याद आते हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत? बहुत भारी मुसीबत है दोस्त। कुछ कहेगा भी? याद है तूने कहा था यू मस्ट फेस द प्रॉब्लम। तो चल इस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। क्या करें? शिकार पर चलेगा। शिकार? किस चीज का शिकार करेगा? और कुछ नहीं मिला तो तेरा ही शिकार कर लूंगा। हेलो, तू मेरा शिकार करेगा? अरे तुझसे बड़ा शेर और कहां मिलेगा मुझे। अच्छा बता कहां मिलेंगे? मिर्तापुर, मेरे स्टड पंप पर। ओके डन। विक्रम सिंह, drop your gun, अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो वरना भेजा उड़ा दूंगा इसका। अपनी बंदूकें फेंक दो। डर गया मेरे मिट्टी के शेर। How are you, Vinny? कैसा है तू? After seeing you, feeling much better, Vicky. तू कैसा? बस ठीक हूँ विनी। चल शिकार पर चलते हैं। चल। विके, यू ओके? हाँ। ब्लडी बास्टर्ड। बास्टर्ड डजंट सीम टू लाइक हिज बॉस। जानबूझकर गिराया इसने मुझे। Don't be silly, Vicky. Come on. अरे, तेरे पीठ पे तो कांटे लगे हैं। कितने प्यार से तू ये कांटे निकाल रहा है। अब तू भी मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दे, शायद मैं तेरा कोई कांटा निकाल दूं। Vicky, मेरे दिल पर एक बोझ है यार। मैंने तुझसे एक बात छुपा रखी है और कहते हैं राज दोस्ती के बीच दीवार बन जाता है। मैं तेरी दोस्ती खोना नहीं चाहता। डैश इट विनी, तू कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक बन रहा है। बोल प्रॉब्लम क्या है। मैं नीलिमा से प्यार करता हूं। व्हाट? ये सब ऑक्सफोर्ड में शुरू हुआ। हमारी चिट्ठियां बदल गई और हम एक दूसरे से मिले और बात बढ़कर शादी तक पहुंच गए। You son of a gun! Hey, hey, hey. I'll kill you, Vinny. I'll kill you. Okay, okay, okay. ये सब मेरे सामने होता रहा और मुझे खबर तक नहीं। चलो एक बात तो अच्छी है कि दोस्ती के साथ साथ रिश्ते का सीमेंट भी लग जाएगा और हम और करीब आ जाएंगे। बोल कब है तेरी शादी? अरे तेरी शादी पर मैं इतना नाचूंगा कि एक दुनिया नाच उठेगी। शादी? यही तो मुश्किल है। क्या मुश्किल है? जो तेरी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूंगा। क्यों अनजान बन रहा है विकी? तू जानता है कि तेरे चाचा इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। अरे जब मैं मान गया हूं तो अंकल भी मान जाएंगे। अगर तू अंकल से बात नहीं कर सकता ना तो मैं बात कर लूंगा। तुमने तो समझौता कर लिया है,
लेकिन तुम्हारे चाचा को कौन समझाए कि वो अपने भाई की मौत को भूल जाए। मेरे पापा और तुम्हारे चाचा के बीच समझौता कभी नहीं हो सकता। विकी, वो मेरे पापा को अपने भाई का खून कभी माफ नहीं करेंगे। What? Come again? तुम्हारे पापा ने अंकल जैसी के भाई का खून किया, मतलब मेरे पापा का खून किया। Your father killed my father! विकी, get hold of yourself, यार। अपने आप को संभालो। मैं समझता था तुम सब जानते हो। हाँ, आज मैं जान गया हूं, मैं सब कुछ जान गया हूं। आज मैं समझ गया हूं कि मैं गोली की आवाज से हमेशा क्यों डरता रहा, क्योंकि मैंने अपनी मां के कोख में उस गोली की आवाज सुनी है विनय, जो गोली तुम्हारे पापा की बंदूक से निकलकर मेरे पापा के सीने में उतर गई थी। कहां जा रहे हो? उस औरत से कुछ सवाल पूछ ले जिसने मुझे उस दिन अपनी कोख में छुपा रखा था और आज तक मुझे सच्चाई की रोशनी से छुपाती रही है। विक्रम, 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 ये क्या कर रहे हो? हाँ, ये क्या कर रहे हो? जो काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था माँ। विक्रम, ये पिस्तौल लेके कहाँ जा रहे हो? हट जाओ माँ। क्या बात है? आपने मुझे पिताजी के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? उनकी मौत के बारे में। हे भगवान, आज मुझे पता चला है माँ कि बचपन से जिस गोली की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है वो गोली किसके बंदूक से निकलकर पिताजी के सीने में समा गई थी। हम ये नहीं चाहते थे बेटे कि दुश्मनी और नफरत की आग तुम्हारी जिंदगी तक पहुंचे। माँ का धर्म तो याद रहा लेकिन बेटे के धर्म का ख्याल नहीं आया। आपका बेटा अपने पिता के कातिलों को सीने से लगाता रहा माँ, आपके कारण, सिर्फ आपके कारण। जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है विक्रम। अगर आपका भगवान ये कहता है कि पिताजी की मौत पृथ्वी सिंह के हाथों लिखी थी तो मेरा भगवान ये कहता है माँ कि पृथ्वी सिंह और उसके खानदान की मौत मेरे हाथों लिखी। नहीं नहीं बेटे, नहीं। तुम्हें अपनी विधवा माँ का वास्ता, फेंक दो इसे, फेंक दो। बहुत कुछ खो चुके हम, तुम्हें नहीं खोना चाहते। नहीं, पिताजी के बगैर तो जीना सीख लिया है ना माँ, अब बेटे के बगैर जीना भी सीख लेना। नहीं, Thank you.
अगर इसे मारा तो माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। पापा, विकी, गाड़ी लाओ, कॉल द डॉक्टर। देखिए कैसा है, कोई खतरा तो नहीं? हम सभी भगवान से प्रार्थना करें तन्वी, तुम भी करो। बड़ी माँ, आप वहां आके बैठिए। क्षमा कीजिए, आप विक्रम सिंह की मां है ना? जी। और आप विनय की? जी। बैठिए। सिर्फ इतना कहने आई हूं कि मेरा रोम रोम आपके बच्चे की लंबी जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहा है। भगवान आपको सुहाग बनाए रखे। विधवापन की पीड़ा मैं जानती हूं, नहीं चाहती कि ये श्राप किसी और बहन के हिस्से में आए। कितना बड़ा दिल है आपका। औरत का दिल तो इतना विशाल होता है कि सारी दुनिया की खुशी उस पर समा जाए। ये विडंबना नहीं तो और क्या है? हमारे बच्चे जो इंग्लैंड में एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, आज एक दूसरे की जान के दुश्मन हो रहे हैं। बाप दादा के करने का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। बच्चे फल भुगते और माएं देखती रहें, मगर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? कुछ तो कर सकते हैं, हथियार नहीं उठा सकते हैं, आवाज तो उठा सकते हैं। सुनेगा कौन? ये सोचकर तो हम चुप नहीं बैठ सकते। जन्म देने से ही माँ का कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। बच्चों को परवान चढ़ाना, कदम कदम पर उनकी रक्षा करना भी तो माँ का कर्तव्य है। मैं तो सोचती हूँ कि अगर सुरजनगढ़ और मृतागढ़ के शत्राणियों को बच्चे इसीलिए पैदा करने हैं कि वो बड़े होकर एक दूसरे का खून बहाए, तो अच्छा होगा कि वो अपनी कोख चला दे, बांझ मर जाए। निराश होने से कुछ नहीं होगा बहन, मैंने तो सोच लिया है। लाज शर्म का घूंघट हटाकर अपने बच्चे की रक्षा करूंगी। अगर भीख मांगनी पड़े तो भीख मांगूंगी, अगर लड़ाई करनी पड़े तो लड़ाई करूंगी, और अगर जिंदगी की आहुति देनी पड़े तो वो भी दूंगी। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना वचन देती हूं कि समय आने पर मैं आपका साथ दूंगी। कहां है विकी? आईसीयू में। पापा कैसा है विकी? डॉक्टर सर कहने के खतरा टल गया है। कुछ पता चला किसने गोली चलाई थी विकी पर? जी हाँ, विनय प्रताप सिंह ने। विनय प्रताप सिंह ने? जी। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्ते, कैसा विकी? भगवान का शुक्र है ठाकुर साहब, वो और पृथ्वी सिंह जी अब बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। ओह, तो पृथ्वी सिंह की उम्र और बढ़ गई है? जी। नहीं कुछ नहीं, क्या मैं विकी से मिल सकता हूँ? आई एम सॉरी ठाकुर साहब, इस समय तो वो सो रहे हैं। उसका ध्यान रखना। आप चिंता ना करें ठाकुर साहब। विकी,
पापा क्या हुआ पापा? पापा? पापा तुम यहीं रुको, यहाँ का ख्याल रखो। पापा मेरी बात तो सुनिए। पापा, पापा मैं भी चलूंगी। आप यहीं ठहरिए। पापा प्लीज मैं भी चलूंगी आपके साथ। पापा एटलीस्ट टेल मी वेयर यू गोइंग। आप जा कहाँ रहे पापा? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं आप नहीं आ सकती। मैं आ रही हूँ। सिर्फ मत करिए। पापा पापा ओपन द डोर। पापा प्लीज पापा ओपन द डोर। पापा पापा नो पापा पापा स्टॉप पापा वेट फॉर मी पापा। I'm very sorry, Vinny. माफी मांगने की जरूरत नहीं नीलिमा। इंसान हालात के बस में होता है, हालात इंसान के बस में नहीं होते। और हमारे घरानों के बीच टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि जहां प्यार और दोस्ती का जीना मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल हो चुका है। प्लीज विनी जरा सोचो, वो हमारे पापा हैं। दुनिया की कोई भी लड़की होती तो ऐसे ही रिएक्ट करती। मगर मेरी बदकिस्मती कि मेरे सामने कोई और लड़की नहीं, नीलिमा थी। प्लीज विनी ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कल मैं अपने आपे में नहीं थी। कल रात मैं अपने दिल से बात करके इस फैसले पे आई हूँ कि मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ है, अपनी फैमिली के साथ नहीं। प्लीज विनी आई एम सॉरी। नहीं नीलिमा, कहानी खत्म हो चुकी है। इट्स ऑल ओवर। Goodbye.
खुदकुशी कर लो तो फिर ठीक है। क्या हुआ बंसी, कौन है ये? हुकुम, कोई लड़की है, न जाने क्यों गाड़ी सीधी दीवार पे लाकर टकरा दी। ऐसा लगता है कि जैसे वो खुदकुशी करना चाहती हो। हे भगवान, ये तो उनकी बेटी नीलिमा है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि इसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की। बंसी भाग के जाओ, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी आओ, इसे अंदर ले चलो। चिंता की कोई बात नहीं, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, अब ये सो रही है। जी धन्यवाद। नमस्ते। हुकुम, किसका नीलिमा का फोन है? मधु जी का फोन है। हेलो, हाँ मधु बोलो। मधु बोल रही हूँ, ये बताने के लिए फोन किया कि नीलिमा यहाँ है मेरे पास। हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। शुक्र है, मगर वो तुम्हारे यहाँ कैसे पहुँच गई? गाड़ी में बैठकर, और कैसे? मजाक छोड़ो मधु, जब वो यहाँ से गई थी तो बहुत गुस्से में थी, और बच्चा प्यारा होता है तो गुस्से में और भी प्यारा लगता है। जिस बच्ची की तुम तरसदारी कर रही हो, जानती हो उसने क्या किया आज? क्या किया? हमारे मना करने के बावजूद वो फिर उससे मिलने चली गई। अच्छा अच्छा, अब आप शांत हो जाइए, गुस्से से दिलों की दूरी बढ़ती है, कम नहीं होती। मैं इसे अपने तरीके से समझा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, अब मैं टेलीफोन रखती हूँ। रोइए मत, रोइए मत, ज्यादा चोट तो नहीं आई? नो पापा, पर I'm sorry, हमने आपकी गाड़ी तोड़ दी। अरे आपके सर का सदका, ऐसी 10 गाड़ियां आप पर कुर्बान, आप बच गईं, इससे बड़ी भगवान की दया और क्या हो सकती है। चलिए चलिए अंदर, 2-4 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए। कम डालें, आप आराम से लेट जाइए। देखिए, या तो आप हमारी बात समझी नहीं, या फिर आपने उसे मजाक समझ लिया है, इसलिए अब आप अच्छी तरह समझ लीजिए, इसके बाद आप इस महल की चार दीवारी से बाहर नहीं जाएंगी, और ना ही कोई आपसे यहां मिलने आ सकता है। नो पापा, नो, ये आप क्या कह रहे हैं पापा? You can't do this to me. Just listen to me. सब नौकर चाकर आपकी सेवा में रहेंगे, आपका हर हुक्म मानेंगे, मगर आपको महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगे। और हाँ, आप किसी से फोन पर भी बात नहीं कर सकती हैं। पापा, आप क्या कर रहे हैं? हट जाइए, हट जाइए। पापा, पापा, please stop this. पापा आपको जी जान से चाहते हैं, मगर आपको पागलपन करने की इजाजत नहीं देंगे। पापा प्लीज, पापा प्लीज, listen to me, पापा प्लीज, पापा stop this. You can't do this to me. You can't do this. बड़ी माँ, बड़ी माँ। कौन? नीलिमा, क्या बात है? आप तो सब जानती है ना बड़ी माँ, दम घुटने लगा है मेरा यहाँ,
एक सांस आ जा रही है, शायद शायद उस पर भी पहरा बिठा दिया जाएगा। डर मत बेटी, मैं जो हूं। बोल क्या बात है? बड़ी माँ मैं एक फोन कर लो। किसे? ये क्या पागलपन किया तुमने? ठीक हो ना? जिंदा हूँ। थैंक गॉड। मगर इस तरह जिंदा रहना मुझे मंजूर नहीं। अल्लाह, अब क्या हुआ? पापा ने मुझे महल की चार दीवारी में बंद कर रखा है, आने जाने पर भी रोक है। So? मैं बाहर नहीं आ सकती, तुम तो यहाँ आ सकते हो। Forget it, नील। प्यारी जिंदगी में सब कुछ नहीं है, लोग प्यार के बगैर भी जिंदा रहते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ, तुम अगर यहाँ नहीं आए तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। Hello? What do you mean? मेरी बात को मजाक मत समझना भी नहीं। तुम जानते हो मैं एक बार ट्राई कर चुकी हूँ, दोबारा भी कर सकती हूँ। नील, और अगर तुम नहीं आए तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे, और तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे दीदी, कभी नहीं। नील, लिसन टू मी। हेलो, क्या ये सच है कि आपने बिटिया रानी को महल की चार दीवारी में बंद करके रखा है? देखो मधु, तुम इस मामले में दखल ना ही दो तो अच्छा है। ओ, कभी कभी भूल जाती हूं कि सब कुछ होते हुए भी मैं आपकी कोई नहीं हूं। गलत मत समझो मधु, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे भी कुछ असूल हैं जिन्हें हम किसी भी हालत में नहीं तोड़ सकते। जानती हूं, और यह भी जानती हूं कि विधाता मेरा भाग्य लिखते समय औलाद का प्यार लिखना भूल गए, मगर आपके भाग्य में तो है। फिर अपने ही हाथ से ये प्यार की रेखा क्यों मिटा देना चाहते हैं आप? जी हुकुम। ठाकुर साहब से कहो सुरजनगढ़ से विनय प्रताप सिंह आए हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। जी, देखो मधु, इस बहस में कुछ नहीं रखा है, हमारा फैसला अटल है। सारी दुनिया हमसे मुंह मोड़ ले तब भी हम ये फैसला नहीं बदलेंगे। और सारी दुनिया में एक मधु भी है, और अगर मधु रूठ गई तो वो इतनी दूर चली जाएगी कि आपकी आवाज भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। हुकुम मधु, एक मिनट। जोरावर सिंह, ऐसी कौन सी आफत आ गई कि बगैर इजाजत के अंदर आ गए? बात ही कुछ ऐसी है हुकुम। कहो। सुरजन। बोलो, बोलते क्यों नहीं? सुरजन गल का राजकुमार विनय प्रताप यहां आ पहुंचा है हुकुम। विनय प्रताप सिंह यहां पहुंचा है, ये तो अच्छा हुआ, वरना उसकी तलाश में हमें वहां जाना पड़ता। हमारे लिए क्या हुकुम है सरकार? मिर्तागढ़ की इज्जत से खेलने वाले के साथ क्या सलूक करना चाहिए यह बताना पड़ेगा तुम्हें। पर वो आपसे मिलना चाहता है हुकुम। मुझसे? ठीक है, ले आओ उसे। देवकी, हम जा रहे हैं, ऐसा ना हो कोई अनर्थ हो जाए। हेलो मधु। ये क्या कर रहे हो? ठाकुर साहब का हुक्म है, सुरजनगढ़ का राजकुमार यहाँ पहुंचा है। मेरा बिनी आ गया, दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। पापा से कह दो वो एक और दिव्या की लाश देखेंगे। प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। दरवाजा खोलो, पापा से कह दो वो एक और दिव्या की लाश देखेंगे। गेट खोल दो, साहब को आने दो। ठाकुर साहब, हमें अफसोस है कि तुम्हारे प्रणाम के जवाब में ना तो हम आशीर्वाद दे सकते हैं और ना ही तुम्हारी लंबी उम्र की कामना कर सकते हैं।
लंबी उम्र की कामना तो मैं भी नहीं करता ठाकुर साहब। हाँ, जो चार दिन की जिंदगी है वो प्यार की जिंदगी हो, उसके लिए आशीर्वाद जरूर चाहूंगा। सुरजनगढ़ वाले आशीर्वाद के लिए हाथ कब से फैलाने लगे? जब से मृतागढ़ वालों से प्यार हुआ है। मैं आपसे नीलिमा का हाथ मांगने आया हूँ ठाकुर साहब। खबरदार, जो हमारी बच्ची का नाम अपनी जबान पर लाए, जबान काट देंगे तुम्हारी। मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत कीजिए ठाकुर साहब। इंग्लैंड की तालीम ने मेरे दिल और दिमाग तो जरूर बदल दिए हैं, खून नहीं। मैं आज भी सुरजनगढ़ का क्षत्रिया हूँ, वार का जवाब वार से देना जानता हूँ। तुम जानते हो इस वक्त तुम कहाँ खड़े हो? जानता हूँ। क्या पृथ्वी सिंह जानता है कि तुम हमारे दरवाजे पर आए हो? जी नहीं। ओ जी, मैं अपनी जान हथेली पर रखकर आया हूँ आपको ये समझाने के लिए कि जब तक खून का बदला खून क्षत्रिय धर्म बना रहेगा, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। ठाकुर साहब, आप भी तो इंग्लैंड रहकर आए हैं, दुनिया देखी है आपने, तो फिर आप जिंदगी की इस हकीकत को पहचानने से इनकार क्यों करते हैं? हकीकत सिर्फ ये है कि हमारे और तुम्हारे खानदानों के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है, दुश्मनी। ये आग ना कभी बुझी है और ना कभी बुझेगी। इसलिए कि आप लोग आग से आग बुझाने की कोशिश करते रहे हैं। आग से आग नहीं बुझती ठाकुर साहब, पानी से बुझती है। ओ, तो तुम इंग्लैंड से आग बुझाने का पानी लेकर आए हो? मैं ही नहीं, नीलिमा भी। तुमने फिर उसका नाम लिया? उसी की खुशी के लिए मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ, एक बाप से बेटी की मुस्कुराहट मांगने आया हूँ। हमारे जज्बात को आवाज देने की कोशिश मत करो। हमारे जज्बात बेटी दिव्या के साथ रुखसत हो गए, महाराज भवानी सिंह की चिता में जलकर राख हो गए। कुछ ऐसे ही जख्म सुरजनगढ़ के सीने पर भी लगे हुए हैं, पर जख्मों को खुरीदने से जख्म नहीं भरते, उन पर मरहम लगाने से भरते हैं। हमारा ख्याल है कि हमने तुम्हारी बकवास जरूर से ज्यादा सुन ली है, अब तुम जा सकते हो। अगर आप अपनी बेटी को उसकी खुशियां नहीं दे सकते तो उसकी जिंदगी तो बचा सकते हैं, वो खुदकुशी कर लेगी। तुम जा सकते हो। उसने एक बार कोशिश की है, दोबारा भी कर सकती है। इस वक्त तुम हमारी बेटी की नहीं अपनी जान की चिंता करो। हम चाहते हैं कि तुम सुरजनगढ़ जिंदा लौटो। हम तो यहां से जिंदा ही वापस जाएंगे ठाकुर साहब, मगर एक बात याद रखिए, अगर आपकी बेटी कोई पागलपन कर बैठी तो उसका खून आपके सर होगा। फिर आप अपने जमीर को जवाब देते रहिएगा। दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। बड़ी माँ, विनी, 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 प्लीज मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारे पापा से बात की, उन्होंने इनकार कर दिया। This is the end of the road, कहानी खत्म हुई। मैं कुछ नहीं जानती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी विनी। नहीं नील, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, ऐसे नहीं। नो। मीठा बोल बड़ा अनमोल, तुमने ठीक कहा बाखुरदार, एंड ऑफ द रोड, तुम्हारी जिंदगी का सफर यही खत्म होता है। हुक्म, ठाकुर साहब का हुक्म है, इन्हें बिना आ चाहे जाने दिया जाए। मीठा बोल बड़ा अनमोल,
ये स्थान तो सुरजनगढ़ वालों के लिए जैसे मुक्ति का स्थान बन गया है। तुमसे पहले तुम्हारे भाई विजय प्रताप को भी यही मुक्ति मिली थी। हाँ, और उसे भी मुक्ति मैंने ही दिलवाई थी, और अब तुम्हारी बारी है। मेरे बच्चे को मार डाला इसने, मेरे बच्चे को मार डाला। जब हमने विनय से बात करके इसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया था, तो आप उसे क्यों मारने के लिए उतारू हो गए? इसलिए कि ये नाग हमारी नीलिमा को भगा कर ले जा रहा था, आपकी बेटी को उड़ा कर ले जा रहा था, ये हरामखोर। क्या ये सच है? नहीं पापा। क्या ये सच है? नहीं नहीं, ये सब झूठ है पापा, सब झूठ है। तो फिर सच क्या है, बोलो। हम अपनी मर्जी से विनय के साथ जा रहे थे, क्योंकि विनय हमारी जिंदगी है पापा। सुन लिया ठाकुर साहब आपने, सुन लिया। ये आप हमसे कह रही हैं? अपने बाप से कह रही हैं? इतना समझाने के बाद याद है? हम चाहते हैं इसी वक्त आपको गोली मार दें। मार डालिए, ये जिंदगी भी आपकी दीनी है, इसे खत्म करने का आपको पूरा हक है। मारिए, मारिए, मारिए ना पापा। मधु, ये तुमने क्या किया मधु? अरे अरे, कोई डॉक्टर को बुलाओ, गाड़ी भेजो जल्दी। नहीं, नहीं, बहुत देर हो गई। मैं अपने ईश्वर के सामने खड़ी हूं, उन्हीं के चरणों की सौगंध खाकर कहती हूं, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज मैं कुछ मांगती हूं, दोगे ना? बोलो मधु, बोलो। वचन दीजिए कि आज आज के बाद आप हाथ में कभी हथियार नहीं लेंगे। विनय और नीलिमा बेटी को आप जाने दीजिए, जाने दीजिए इन्हें, वचन निभाकर मेरी अंतिम यात्रा को सुखद बना दीजिए। मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं मधु, मधु, मधु। पापा, पापा, ये सब क्या हो गया पापा? चले जाओ यहां से, चले जाओ। पापा,
चल जाओ यहां से, जाओ यहां से, जाओ यहां से। विनय, विनय बेटा, विनय, 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 पापा, ठीक है ना बेटे? जी। कल रात मृतागढ़ क्या करने गए थे? जसवंत सिंह से बात करने। ये जानते हुए भी कि उसके आदमी ने तुम्हारे भाई को मार दिया था? जी। उसके कुत्ता ने तुम पर हमला तो नहीं किया? किया था, लेकिन मैंने सबको मार दिया। सबको मार दिया, लेकिन जसवंत सिंह को तो नहीं मारा ना? वो मेरा शिकार है। जी नहीं, वो जिंदा है। पापा, आज मैंने एक क्षत्रिय को टूटते हुए देखा। उसने हथियार ना उठाने की सौगंध खाई है। मैं उसकी इज्जत अपने साथ लाया हूं। नीलिमा, इसे अपने बहू के रूप में स्वीकार करके आशीर्वाद दीजिए। हमारे दुश्मन की बेटी हमारे घर में, और आप चाहते हैं कि हम इसे अपनी बहू स्वीकार कर लें? नहीं, आप जाइए यहां से। आप चाहते क्या है पापा? आपका बेटा किसी लड़की का हाथ पकड़कर छोड़ दे, जिस लड़की ने उसके प्यार की खातिर अपना घर बार मान मर्यादा सब कुछ छोड़ दिया, उसे रास्ते पर पटक दे? इसे हर हाल में यहां से जाना होगा। और अगर मैं इसे भेजने से इनकार कर दूं तो? तो मैंने साहब, इसके साथ साथ आप भी चले जाइए। गले से लगा लगा आपको जसवंत सिंह और आपके बाप की इज्जत और बढ़ जाएगी। जसवंत सिंह के गले लग जाऊं, ये कहकर आपने अपने बेटे के प्यार के मुंह पर तमाचा मारा है पापा। मुबारक हो आपको अपने राजमहल की इज्जत, खानदान की आन। मैं नीलिमा को अपने साथ लेकर इंग्लैंड वापस जा रहा हूं। चलो जाइए, जाइए, जहां जी चाहता है चले जाइए। हम समझेंगे हमारा कोई बेटा था ही नहीं। ठाकुर जसवंत सिंह जी ने तो उम्र भर हथियार न उठाने की सौगंध ले लिया हुकुम। और पृथ्वी सिंह अभी तक जिंदा है। ठीक ही तो है, जिस आदमी के सीने पर पृथ्वी सिंह ने गोली चलाई थी वो ठाकुर जसवंत सिंह का बाप नहीं था, हमारा बाप था। पंडित जी, आप जाकर पूजा की तैयारी कीजिए। इस दशमी पर मृतागढ़ की तरफ से बलि हम चढ़ाएंगे, और ये बात पृथ्वी सिंह के कानों तक पहुंचानी चाहिए ताकि वो हमारी तलवार के सामने आ सके। मंदिर में पुलिस का दाखिला रोकने के लिए आदमी यहां होने चाहिए। हुकुम, मृतागढ़ की रानी मां आपसे मिलना चाहती हैं। हमारे दुश्मन के बच्चों को जन्म देने वाली रानी साहिबा आज हमारे द्वार पर। हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। हमारे खून के प्यासे
मृता गढ़वालों की शतरानी जिसके हाथ में कटार होनी चाहिए, आज इस तरह हाथ जोड़े क्यों खड़े हैं? इसलिए कि ये शतरानी पहले माँ है, बाद में शतरानी। और एक माँ बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या हुआ आपके बच्चे को? उसने दशमी पर बलि चढ़ाने की जिद पकड़ ली है। आपको तो स्वाभिमान होना चाहिए ऐसे सपूत पर, जो क्षत्रिय धर्म की आन के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। इस क्षत्रिय धर्म को बहुत खून पिला चुके हम। आपसे प्रार्थना है, आप हमारे बेटे का सामना ना करें। नहीं, 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 नहीं। ये किसी भी हाल में नहीं हो सकता। हम सुजन गढ़वालों को क्या जवाब देंगे? हम अपनी अंतरात्मा को क्या जवाब देंगे? आप इस विधवा माँ को क्या जवाब देंगे, जिसने आपको अपने पति का खून माफ कर दिया और आज अपने बच्चे की रक्षा के लिए आपके दरवाजे पर खड़ी है? मुझे धर्म संकट में मत डालिए रानी साहिबा, मुझे धर्म संकट में मत डालिए। रानी साहिबा नहीं, सिर्फ एक माँ जो आपके सामने छोली फैलाए खड़ी है। नहीं 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 नहीं, चाहिए चाहिए रानी साहिबा, चली जाइए। हम वचन देते हैं, हम अपनी तलवार की प्यास आपके बेटे के खून से नहीं बुझाएंगे, नहीं बुझाएंगे। Your attention please. British Airways flight 031 to London is now ready for departure. तुम चेक इन करवा लो। घर से निकलते वक्त माँ बहुत उदास थी। मैं उन्हें फोन करके आता हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ। हेलो। हेलो, मैं विनी बोल रहा हूँ। हेलो कुंवर साहब, जरा माँ को फोन देना। जी, उनका फोन पर आना मुश्किल है कुंवर साहब। क्यों? वो महाराज पृथ्वी सिंह जी को संभालने में लगी हैं। क्या हुआ पापा को? वो बहुत परेशान है। कल दशमी है और मिर्तागढ़ के विक्रम सिंह जी ने बलि के लिए ललकारा है सुरजनगढ़ के ठाकुरों को। अच्छा, सुरजनगढ़ के सारे ठाकुरों की नजरें राजघराने पर है। अब हम किस किस को समझाने जाएं कि महाराज ने बड़प्पन में वचन दिया है कि उनकी तलवार विक्रम सिंह पर नहीं उठेगी। और उधर विक्रम सिंह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि पृथ्वी सिंह कायर है। ठाकुर विक्रम सिंह
माँ जगदम्बा के चरणों पर बलि चढ़ाने आए हैं। सुरजनगढ़ का कोई भी योद्धा बलि चढ़ाने का इच्छुक हो मंदिर पर चला आए। सुरजनगढ़ का कोई योद्धा, सुरजनगढ़ में कोई योद्धा नहीं, सुरजनगढ़ के सब शेर घास चरने गए हैं। और सुना है सुरजनगढ़ में चूड़ियां धड़ाधड़ दिख रही है। सुरजनगढ़ में कोई योद्धा नहीं, अब ठाकुर विक्रम सिंह जी बलि चढ़ाकर माँ का आशीर्वाद पाएंगे। ठहरिए पंडित जी, बलि हम चढ़ाएंगे। माझी, माझी, विक्की मंदिर पर बलि चढ़ाने गया है। हम जानते हैं। और विनय उसे रोकने के लिए वहां पहुंच चुका है। क्या? दोनों फैसला तलवारों से करेंगे। Thank you.
Vicky, come on! Come on, Vicky! Kill him! Vicky, kill him! Vicky, come on! Kill him! Come on, Vicky! Kill him! And Mehta ghar walon ko sabak sikha de! Maar bete! Vicky! Vicky, bete! Ruk jao! Vicky! Vicky, stop it, Vicky! Maji! Vicky, stop it! बड़ी माँ कहाँ जा रही हो बड़ी माँ? बड़ी माँ इन दोनों के सर पे खून सवार है, रोक लो इन्हें, प्लीज बड़ी माँ जाओ समथिंग। और जोर से मार, तुम भूल गए? ये घाव इस पर नहीं, ये घाव किसी माँ के कलेजे पर लग रहा है, ये देख। कि माँ का कलेजा भी ऐसा ही होगा। Come on, Vicky! Come on! दूध का कर्ज चुका दे भी नहीं, घायल कर दे इसे, ताकि तेरी माँ का कलेजा ठंडा हो जाए। क्या किया माँ? छोड़ दे माँ, माँ का डर छोड़ दे माँ। नहीं, बरसात के बूंदों में खून बरसेगा, माँ का खून। नहीं माँ, कटार छोड़ दे माँ, अब तो ये कटार छोड़ दे माँ। नहीं, आज तो इतनी बारिश होगी कि मित्तागढ़ डूब जाएगा। नहीं माँ, ऐसा मत कह माँ, छोड़ दे माँ। हमने तुम्हारे हाथ में चांदी का झुनझुना दिया था बेटे, तुमने ये कटार दे दी। मैं तुझे मेरी कसम है, कटार छोड़ दे। नहीं, कभी नहीं। माँ, तुझे अपने बेटे की सौगंध माँ, ये कटार छोड़ दे माँ। बेटे की सौगंध क्या करेगी? मैं बेटे का खून जो देख रही हूँ ना। नहीं माँ, माँ मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। नहीं, मैं हार गया माँ, मैं तेरे पैर छूता हूँ माँ। माँ, ये कटार छोड़ दे माँ। मैं ये कटार छोड़ दूंगी, पहले वचन दे के खून की होली नहीं खेलेगा तू। हाँ माँ, माँ मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं तुझे वचन देता हूँ माँ। माँ, मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद तलवार उठाऊंगा तो सिर्फ माँ की इज्जत के लिए। अब छोड़ दे। नहीं,
Thank you.